अभिवादये अहमस्मि ज्योतिः अत्र भवतां भवतीनां च स्वागतं दूरदर्शन वार्ता प्रसारणे अस्मिन् अथ वार्ताः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य च राष्ट्रपतिः इस्लाम करीमोवः प्रतिवेशि देशेषु अभिवर्धमानं आतंकवादं प्रति महाचिन्ताम् अप्रकटयताम् मध्य एशिया यात्रायाः प्रथम चरणे उज्बेकिस्तानस्य राजधानीं ताशकंदं संप्राप्ते सति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदिनः भव्यं स्वागतम् अभवत् उभयोर् देशयोर् मध्ये उभयपक्षीयं सहयोगम् अभिवर्धयितुं त्रीणि सन्धिपत्राणि हस्ताक्षरितानि अद्य सायं प्रधानमंत्री कजाकिस्तानं प्रति यात्रां विधास्यति मध्यप्रदेशस्य व्यापम प्रवचना प्रकरणस्य अन्वीक्षणं उच्चन्यायालयस्य सान्निध्ये प्रचलति परं अनेन प्रकरणेन सम्बद्धानां जनानां संदिग्धमृत्युक्रमः प्रचलति एव व्यापम प्रकरणेन नियोजितायाः महिलायाः प्रशिक्षारक्षी निरीक्षिकायाः रहस्यात्मक मृत्युः अस्मिन् प्रसंगे एकः नूतनः विषयत्वेन जायते एकतः कांग्रेसदलं प्रकरणमिदं आधृत्य राज्यस्य मुख्यमन्त्रिणः त्यागपत्रम् अभिवाञ्छति अपरतः भाजपादलं कथयति यत् अन्वीक्षणानन्तरम् एव कोऽपि निर्णयः अङ्गीकरणीयः साम्प्रतं च काश्चन द्रुतवार्ताः रशिया देशस्य मध्येशियायाश्च षण्णाम देशानां यात्रायाः प्रथमचरणे ताशकन्दे विराजते प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना इस्लाम करीमोवेन समं वैयक्तिकोपवेशनं कृतवान् प्रधानमन्त्री केन्द्रीय वित्तमन्त्री अरुण जेटली रशिया देशे समायोजिते ब्रिक्स देशानां प्रारम्भिकोपवेशने भागं गृहीष्यति अन्वेषयिष्यति च जगतः विकसनशीलार्थव्यवस्थाः ह्यो नवदिल्ल्यां केन्द्रप्रशासनेन सी डॉट इति दूरसञ्चार प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रेण चत्वारः उत्पादाः अनावृताः एते उत्पादाः ब्रॉडबैंड इत्यन्तर्जाल सम्बन्धि व्यवस्थायाः संयोजनार्थम् आवश्यकोपकरणसम्भाराः सन्ति केन्द्रीय गृहमन्त्रिणा राजनाथ सिंहेन प्रोक्तं यन् मध्यप्रदेशस्य व्यापम प्रवञ्चना प्रकरणस्य अन्वीक्षणान्नैवापसरति केन्द्रप्रशासनम् तेनोदीरितं यदुच्च न्यायालयस्य सान्निध्ये पूर्वमेव विशिष्टान्वीक्षण कार्यबलेनान्वीक्षणं क्रियते सर्वोच्च न्यायालयेन व्यापम प्रवञ्चना प्रकरणे तथा कथित संलिप्ति कारणात् मध्यप्रदेशस्य राज्यपालस्य रामनरेश यादवस्य निष्कासन विषयिणीं याचिकां श्रोतुं सम्मतिः प्रकटिता वादप्रतिश्रवणमिदमस्य मासस्य नवमतिथौ करिष्यते सर्वोच्च न्यायालयेन व्यवस्थेयं प्रवर्तितास्ति यत् अविवाहिता माता शिशोः पितुः सम्मतिं विनैव तच्छिशोः अभिभाविका भवितुमर्हति मिथ्योपाधि विवादे ग्रस्ताय दिल्ली प्रशासनस्य विधिमन्त्री चराय जितेन्द्र सिंह तोमराय न्यायालयेन न किमपि शान्ति सौविध्यं प्रदत्तमस्ति तस्य न्यायिक निग्रहणमस्य मासस्य विंशति तिथिं यावदग्रे सारितम् पर्यटकानां साहाय्यार्थम् अतुल्य भारत पर्यटक साहाय्य संख्या द्वादशान्ताराष्ट्रिय भाषासु आगामिनि मासद्वये एव समारप्स्यते सूचनेयं पर्यटन संस्कृति मन्त्रिणा डॉक्टर महेश शर्मणा प्रदत्ता नोबेल पारितोषिकेन सत्कृतः कैलाश सत्यार्थी संयुक्तराष्ट्रसङ्घम् अन्ताराष्ट्रिय समवायं च निवेदयति यत् शोषणात् हिंसायाश्च किशोराणां त्राणार्थं शिक्षाक्षेत्रे महत् विनिवेशः परमावश्यकः इति सानिया मिर्जा मार्टिना हिंगिस् इत्यनयोः शीर्षस्थं महिलायुगलं विम्बल्डन टेनिस् स्पर्धायाः महिलायुगलस्य अर्धोपान्त्यचक्रे प्रविष्टम् संस्कृतस्य विषये वैदेशिकानां का मतिः का च स्थिति इति ज्ञातुम् अवलोक्यतां तावत् बैंकॉक नगर्याम् अचिरमेव सम्पन्नस्य विश्वसंस्कृतसम्मेलनस्य विवरणमिदम् हमको यहां आकर बड़ा आनंद हुआ देखिए राजनीति जुड़े हुओं को तोड़ती है भाषा बिछड़े हुओं को जोड़ती है संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है विश्व भाषा है जो संसार को एक ही जगह लाती है वसुधैव कुटुंबकम् तत्र विश्वम भवति करीडम सारा विश्व हमारा एक घर होता है लेकिन राजनीति से हम नेपाली हैं हम भारतीय हैं हम ऑस्ट्रेलियन हैं हम अमेरिकावासी हैं अलग अलग होता है इसलिए
भाषाओं में भी संस्कृत भाषा विश्व भाषा है, इसलिए संस्कृत के कारण संस्कृत की जो मानव संस्कृति है, रामायणी जो संस्कृति, पुरुषार्थ पुरुष की संस्कृति, पुरुषोत्तम की संस्कृति, मानवता की संस्कृति है, वो विश्व को जोड़ती है। इसीलिए यह एक उदाहरण आज यहाँ थाईलैंड के भूमि में प्रदर्शित हुआ है। वार्ता संस्करणमेतत् सम्पद्यते अधुना अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः भूयात् तावत् मंगलम्।